नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, कल संसद भवन में तमाम अनेक सांसदों ने बतौर सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसी बीच एक तस्वीर सामने निकल के आई जहां काराकाट लोकसभा से पवन सिंह को भारी मतों से हराने वाले सांसद राजा राम सिंह जो है शपथ ग्रहण समारोह में लड़खड़ा के गिरते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, तस्वीर देखिए किस तरीके से। ये तस्वीर जो है संसद भवन की है, जहां पर राजा राम सिंह संसद भवन में जिस तरीके से शपथ लेने पहुंचे थे, इसको देखते हुए लड़खड़ा गिर रहे और ऐसे में उनको उठाने के लिए अखिलेश यादव नजर आए। तस्वीर देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर राजा राम सिंह जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने पहुंचे थे, उसको देखते हुए जब शपथ लेने वो जा रहे थे, जब उनका नाम पुकारा गया तब वो लड़खड़ा कर गिरते हुए नजर आए, जिसके बाद अखिलेश यादव की नजर उन पर पड़ी और वो कहीं ना कहीं फौरन उठ पड़े और ऐसे में उनको उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिलहाल जो है राजा राम सिंह खुद उठ गए। तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से ये वही सांसद हैं जो काराकाट लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला को देखते हुए कहीं ना कहीं भारी मतों से जीत दर्ज कर सांसद बने हैं। ये वही राजा राम सिंह हैं जिन पर भरोसा महागठबंधन ने किया और ऐसे में वो भरोसा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला और उस भरोसे पर कायम रहे राजा राम सिंह और जिसके बाद जीत दर्ज कर सांसद बन वो कहीं ना कहीं निकले। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से संसद भवन की है, जहां पर राजा राम सिंह दिखते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। माले पार्टी ने इनको मौका दिया था, इंडिया अलायंस ने इनको मौका दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये सांसद बनकर निकले हैं। दर्शकों को बता दें, जिस तरीके से काराकाट लोकसभा सीट था वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ जहां पवन सिंह निर्दलीय के रूप में मैदान में थे, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के द्वारा जो है राजा राम सिंह को मैदान में उतारा गया था, जिसके बाद पहले अव्वल नंबर पे जो है राजा राम सिंह जीत कर सांसद बने, दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे, तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा जो है जाते हुए नजर आए थे। ऐसे में जिस तरीके से राजा राम सिंह ने कल शपथ लिया, इसको देखते उससे पहले ही वो लड़खड़ा कर गिरते हुए नजर आए। वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। राजा राम सिंह मैं राजा राम सिंह जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।